Honorable Speaker, I present the interim budget for 24-25. The Indian economy has witnessed profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. With the blessings of the people, when our government, under the visionary and dynamic leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi, assumed office in 2014, the country was facing enormous challenges. With Sabka Saath, Sabka Vikas as its mantra, the government overcame those challenges in right earnest. Structural reforms were undertaken. Pro-people programs were formulated and implemented promptly. Conditions were created for more opportunities for employment and entrepreneurship. The economy got a new vigor. The fruits of development started reaching the people at scale. The country got a new sense of purpose and hope. Naturally, the people blessed the government with a bigger mandate. In the second term, our government, under the leadership of Honorable Prime Minister, doubled down on its responsibilities to build a prosperous country with comprehensive development of all people and all regions. Our government strengthened its mantra to Sabka Saath, Sabka Vikas, and Sabka Vishwas. Our development philosophy covered all elements of inclusivity, namely social inclusivity through coverage of all strata of the society, and geographical inclusivity through development of all regions of the country. With the whole-of-nation approach of Sabka Prayas, the country overcame the challenges of once-in-a-century pandemic, took long strides towards Atmanirbhar Bharat, committed to Panch Pran, and laid solid foundations for the Amrit Kal. As a result, our young country has high aspirations, pride in its present, and hope and confidence. हमारी बहुत ही ज्यादा आकांक्षाएं हैं और हमने लोगों ने अपनी उम्मीद जो जगाई कि हम उच्चतम विकास के लिए हम बात करेंगे. हमारी सरकार ने यह देखा कि किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे और हम बहुत ही अच्छे मतदेश के साथ देश की जनता ने हमें आगे बढ़ाया है. जहां तक समावेशी विकास का संबंध है और हम इसको देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो विकास के कार्यक्रम है पिछले 10 वर्षों के दौरान, पहले यह था कि हम कराएं ग्रामीण विकास के जो कार्यक्रम थे पिछले 10 वर्षों के दौरान, अगर देखा जाए उसमें हमने प्रत्येक घर के अंतर्गत, चाहे सभी के लिए आवास की योजना हो, हर घर जल हो, या सभी के लिए बिजली हो, या सभी के लिए कुकिंग गैस हो, या सभी के लिए वित्तीय सेवाएं और बैंक अकाउंट खोलने की बात हो, हमने रिकॉर्ड टाइम में यह काम किया. जहां तक खाद्यान्न की चिंता का संबंध था उसे हमने बिल्कुल दूर कर दिया और हमने 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त, बिल्कुल निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया है. और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, जहां तक अन्नदाता के उत्पादन के लिए हमने इसे समय पर लगातार आवधिक रूप से बढ़ाया है. और जो आवश्यक मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसने वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय को बढ़ाया है. जो आर्थिक आवश्यकताएं हैं उनको हम इस प्रकार से ठीक कर सके और हम ज्यादा से ज्यादा नौकरियों के अवसर उपलब्ध करा सके. सामाजिक न्याय, हमारी सरकार एक ऐसी दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं कि हम सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी विकास करें. और
इसमें सभी जातियों को शामिल किया गया है और सभी स्तरों की जनता को शामिल किया गया है। हम भारत को एक विकसित भारत बना लेंगे 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र भारत बन जाएगा। और इसको देखने के लिए हम लोगों को सशक्त बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। पहले सामाजिक न्याय एक राजनीतिक नारा हुआ करता था। हमारी सरकार के लिए जो सामाजिक न्याय है एक बहुत ही प्रभावी और आवश्यक सरकारी मॉडल है। जो एक ऐसी स्थिति जहां पर हम सभी दृष्टिकोण हमने ऐसा अपनाया है जहां तक हम एक व्यापक उपलब्धियों के साथ सभी को सभी चीजें दें। देखिए वैसे देखिए धर्मनिरपेक्षवाद वास्तव में यह हमारी क्रियाओं में है। हमने भ्रष्टाचार को खत्म किया है और हमने साथ ही साथ भाई भतीजावाद को भी खत्म किया है। देखिए इस समय हमारे यहाँ पर पारदर्शिता है और हम यह सुनिश्चित करते हैं कि सभी योग्य लोगों तक सभी लाभ पहुंचाए जाएं और यह जो सभी अनुसंधान है उनको हम सभी लोगों में समान रूप से बांटते हैं। और जो सामाजिक जो चीजें हैं हम चाहते हैं कि सभी लोगों को समान रूप से मिलें। हम सभी तरीके से देखते हैं कि हम केवल परिणामों पर ही ध्यान दें और साथ ही साथ सभी के लिए सामाजिक आर्थिक बदलाव भी लाया जाए और सभी को अवसर मिले। जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का यह पूर्ण विश्वास है कि हम गरीब महिला युवा और अन्नदाता किसान इनके लिए हम मुख्य रूप से काम करें। इनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी आकांक्षाएं हैं और उनका कल्याण हमारी सबसे ज्यादा प्राथमिकता है। जो देश तभी तरक्की करता है जब ये चारों तरक्की करते हैं। इन सभी के लिए सभी को सरकारी सहायता मिलनी चाहिए ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें। उन्हें सशक्त किया जाना चाहिए और जब उनको सशक्त किया जाएगा तो हमारा देश और आगे बढ़ेगा। गरीब कल्याण देश का कल्याण। हम गरीबों को सशक्त करने में विश्वास रखते हैं। पहला हमारा दृष्टिकोण यह है था कि किस प्रकार से हम उनको चीजें देकर हम गरीबी को दूर करें। जब गरीब सशक्त बनता है इस और वह भागीदार बनता है सभी विकास गतिविधियों में तब सरकार की जो शक्ति है वह आम जनता तक पहुंचती है। सबका साथ की जो हम बात कर रहे हैं पिछले 10 वर्षों के दौरान तो सरकार ने 25 करोड़ लोगों को यह सभी सहायता दी है और हमने विविध प्रकार की गरीबी से उन्हें छुटकारा दिलाया है। हमारी सरकार के प्रयासों के कारण अब सभी जो ऊर्जा है और लोगों के सशक्त जो विकास है वह सब मिलकर आगे बढ़ रहा है और वास्तव में वह उनसे गरीबी से उन्मुक्त कर रही हैं। जहां तक सीधे लाभ ट्रांसफर की योजना है 34 लाख करोड़ की वह भारत सरकार की प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के माध्यम से उसकी वजह से 2.7 लाख करोड़ की सरकार की जो सेवाएं हैं जो उसके बचते हैं वह अभी तक आई हैं। और इसे हमने अभी तक इसमें देखा है कि किस प्रकार से जो पहले लीकेज हुआ करती थी इनमें वह रुक पाई हैं और जो हमारे पास बचत हुई है वह गरीब कल्याण के लिए ज्यादा से ज्यादा उनका उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री स्वनिधि इसने 78 लाख जो सड़क पर काम करने वाले वेंडर्स हैं उनको सहायता प्रदान की है उनको पैसा दिया है। 78 लाख वेंडर्स में से 2.3 लाख को तीसरी बार हमने क्रेडिट दिया है उधार दिया है पैसा दिया है। जहां तक पीएम जनधन योजना जो कि विशेष रूप से संवेदनशील जनजातीय समूह तक पूछना था जो कि वास्तव में विकास से बहुत दूर अभी तक रहते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो कि सहायता उपलब्ध कराती है हमारे कारीगरों को और जो 18 व्यवसायों में लगे हुए हैं यह जो योजना है वह दिव्यांग और जो उभयलिंगी है उनके जो उनको सशक्त करने की बात है वह हमारी सरकार के हर काम में है कि हम किसी को पीछे छोड़ना नहीं चाहते। अन्नदाता का कल्याण। जो किसान है वह हमारे अन्नदाता है। हर वर्ष पीएम किसान सम्मान योजना के तहत नीति प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता दी जाती है 11.8 करोड़ किसानों को जिसमें
छोटे और मध्यस्थ किसान भी शामिल हैं। जहां तक फसल बीमा का संबंध है, वह 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा योजना के तहत दी जाती है। यह जो है अन्य कार्यक्रमों के साथ साथ है, जो कि अन्नदाता को सहायता प्रदान करते हैं ताकि वह देश के लिए और विश्व के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करें। जहां तक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है, उसमें भी 1361 जो मंडी है उनको समेकित किया गया है और 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही है और 3 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार हो रहा है। जो 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 क्षेत्र है जहां पर समावेशी और बहुत ही उच्च विकास होना चाहिए, उत्पादकता होनी चाहिए, इसे हम किसान उन्मुक्त योजनाएं बना रहे हैं, उन्हें आय की सहायता दे रहे हैं, उनको खतरा लेने की जो वह सक्षम हो सके इनके लिए हम मूल्य और दूसरे समर्थन दे रहे हैं। अमृत पीढ़ी जो युवा हैं उनको सशक्त करना, हमारी समृद्धता तभी निर्भर करती है जब हम अपने युवाओं को सशक्त करें, उनको पूरी तरीके से सजग बनाएं। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020, वह अब बहुत ही बदलाव और सुधार के मोड़ में है। जो पीएम स्कूल है, वह पीएम श्री, वह बहुत ही अच्छी शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराती है ताकि सभी रूप से बच्चों का विकास किया जा सके। जो स्किल इंडिया मिशन है, में 1.4 करोड़ युवाओं को हमने अभी तक प्रशिक्षित किया है और हमने उन्हें और शिक्षित किया है 54 लाख युवाओं को और 3,000 नए आईटीआई हमने खोले हैं। भारी संख्या में जो नए संस्थान हैं जो उच्च शिक्षा के हैं, जिसमें 7 IIT, 16 IIIT हैं, 7 IIM हैं, 15 AIIMS हैं और 390 विश्वविद्यालय हैं जिनको हमने अभी तक खोला है। पीएम मुद्रा योजना, इसमें 43 करोड़ की राशि के ऋण दिए गए हैं, जिसमें 22.5 लाख करोड़ की सहायता उपलब्ध कराई गई है उन युवाओं के लिए जो कि उद्यमी हैं, जो कि आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो निधियां हैं, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजना, यह भी दी गई है ताकि युवाओं को सहायता दी जा सके, वह अब रोजगार दाता बन रहे हैं। जो यह जो देश है उसे अपने युवाओं पर बहुत गर्व करता है क्योंकि वह अभी खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं। एशियन जो अभी खेल हुए इसमें और एशियन पैरा गेम जो हुए 2023 में, उसमें हमने बहुत संख्या में भाग लिया और हमारा विश्वास और बहुत बड़ा। जो चेस और हमारे नंबर एक रैंक जो प्रज्ञा नंदा है, उन्होंने एक बहुत बहुत तेज टक्कर दी विश्व के चैंपियन मैग्नस कार्लसन को 2023 में। आज भारत में 80 से ज्यादा चेस ग्रैंड मास्टर है जो कि 2010 में 20 थे।